दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। एमसीडी के खिलाफ जमीयत ए हिंद ने दायर की है 2 याचिकाएं। पहली याचिका में बिना नोटिस बुलडोजर चलाने का आरोप। जमीयत ने कहा स्थानीय लोगों ने बुनियादी नागरिक अधिकारों का किया उल्लंघन। राज्य सरकार के खिलाफ दायर की गई है दूसरी याचिका। किसी भी आरोप में बुलडोजर चलवाने की प्रवृत्ति पर रोक की मांग। अदालत की अवमानना का सवाल उठाएगा याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के 1.5 घंटे बाद तक जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीपीएम नेता वृंदा करात। रात में दाखिल की जनहित याचिका। वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट से की है एमसीडी के आदेश को रद्द करने की अपील। पीड़ितों को मुआवजे की मांग। आज जहांगीरपुरी जाएगा 15 कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। अजय माखन ने कहा बगैर नोटिस ढाई निर्माण गैर कानूनी कार्रवाई हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर सियासी घमासान। एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में जेएनयू और जामिया में छात्रों ने किया प्रदर्शन का आह्वान। काकुली घोष के नेतृत्व में कल टीएमसी के 5 सांसद करेंगे जहांगीरपुरी का दौरा। हालात पर तैयार करेंगे रिपोर्ट। राकेश टिकैत दिल्ली हिंसा को बता रहे हैं सरकार की साजिश। कहा वोट के लिए लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मिलने पहुंचे ओवैसी लेकिन पुलिस ने रोका। जहांगीरपुरी में ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। बीजेपी का करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर आपका जोरदार हमला। मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी ने दी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पना। पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को क्यों बसाया। जहांगीरपुरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर अखिलेश यादव का हमला। कहा संविधान पर बुलडोजर चला रही है बीजेपी। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर विपक्ष के आरोपों का बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले गोत्र से नहीं पहचाना जाता है गुनाह। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि इस तरह के क्राइम को भी कास्ट के साथ जोड़ देंगे, कम्युनिटी के साथ जोड़ देंगे, कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे। जहांगीरपुरी मंदिर में अतिक्रमण को खुद ही हटा रहे हैं लोग। दिन में कोर्ट के आदेश से पहले रुका था एक्शन। कल जहांगीरपुरी में चले 9 बुलडोजर। 3 घंटे में 12 दुकानें की गई ध्वस्त। एमसीडी की कार्रवाई के बाद जहांगीरपुरी इलाके में पसरा मलबों का ढेर। अपना सामान बटोरते दिखाई दिए लोग। जहांगीरपुरी बुलडोजर वाले एक्शन के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। सुरक्षा के लिहाज से जहांगीरपुरी में 14 सेक्टर में बांटी गई पुलिस फोर्स। इलाके में तैनात रहे तकरीबन 1,500 जवान। जहांगीरपुरी में कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में बढ़ाई जा रही है महिला पुलिसकर्मी। हंगामे की आशंका के चलते बॉडी आर्मर और हेलमेट से हैं लैस। कार्रवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर से किया अनाउंसमेंट। लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की। दिल्ली दंगों के आरोपियों को राहत नहीं। 3 दिन और बढ़ी अंसार सलीम दिलशाद और गुल्ली की पुलिस रिमांड। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में बंगाल के वृंदापुर पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। मुख्य आरोपी अंसार और दिलशाद की कुंडली खंगालने की कोशिश। वसीम और इरफान नाम के आरोपियों से एसपी पर किया था तलवार और तमंचे से हमला। गिरफ्त से बाहर हैं दोनों। एसपी पर गोली चलाने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। अब तक 63 मामलों में 153 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। खरगोन हिंसा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 106 फरार उपद्रवियों पर 10,000 के इनाम का ऐलान। 3 जिलाधिकारियों के खिलाफ नासिक रोड थाने में केस दर्ज। लाखों की रिश्वत लेने का आरोप। एटा के प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर ने प्रिंसिपल पर की फायरिंग। स्कूल न आने पर हुआ था विवाद। जमशेदपुर के राजकीय उर्दू बालिका विद्यालय में छात्राओं का प्रदर्शन। शौचालय और पानी की कमी पर भड़का गुस्सा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। परिसवानी गांव को जवानों ने घेरा। खुफिया जानकारी के बाद इलाके की घेराबंदी। इनकाउंटर में 3 जवान और 1 सिविलियन घायल। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार। अहमदाबाद से असम ले जा रही थी पुलिस। जिग्नेश पर विवादित ट्वीट का आरोप। असम में दर्ज मामलों का हवाला देकर पुलिस ने पकड़ा।
गुजरात की वडगाम विधानसभा सीट से विधायक हैं जिग्नेश, गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों का प्रदर्शन। दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व कार्यक्रम में आज शामिल होंगे पीएम, जारी होगा सिक्का और डाक टिकट। प्रधानमंत्री आज रचेंगे इतिहास, सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को करेंगे संबोधित, पहली बार रात में होगा भाषण। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन पहुंचे अहमदाबाद, आज कारोबारियों से मुलाकात, कल दिल्ली में प्रधानमंत्री से बात। तंबाकू ब्रांड पर एड करने से अक्षय कुमार ने फैंस से मांगी माफी, कहा विज्ञापन के लिए मिली फीस करेंगे दान। वाराणसी में एक दुकानदार ने दिया अनोखा ऑफर, 10,000 के मोबाइल पर 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त, 100 रुपए की एक्सेसरीज पर 2 नींबू फ्री। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, खाली प्लॉट में मिला शव। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, पुलिस को आरोपियों का नहीं मिला कोई सुराग। इटावा में नाबालिग युवती की गला घोटकर हत्या, शव नहर में फेंका, मां और चाचा गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एक विधवा से यौन शोषण के आरोप में पति का दोस्त गिरफ्तार, बच्चों को अगवा करके धमकी देकर कर रहा था ब्लैकमेल। इंदौर में युवती की शिकायत पर मंडप से दूल्हे की गिरफ्तारी, पीड़िता से शादी का वादा करके दूसरी लड़की से विवाह रचाने जा रहा था आरोपी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गांजे की बड़ी खेप बरामद, करीब 2.25 करोड़ के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी में भीषण आंधी तूफान में 2 की मौत, कई घर तबाह, जिले के कई ब्लॉक तबाह, कई घरों में छप्पर उड़े। मुजफ्फरनगर में खेत में भीषण आग, 50 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख। दिल्ली में आईटीओ से लक्ष्मीनगर जा रही बस में आग, कोई हताहत नहीं। संगरूर के खेत में आग, पूरी फसल तबाह। हिसार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 लोगों की मौत, जहरीली गैस ने ली जान। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांक रहे छात्र की पोल से टकराकर मौत। गाजियाबाद में स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांक रहे छात्र की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने स्कूल में की तोड़फोड़। बिहार के आरा में रेलवे स्टेशन से 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार, हथियार और बीएसएफ के नकली आई कार्ड बरामद। अमृतसर की पशु मंडी में दिन दहाड़े 2 गुटों में फायरिंग, बीमार भैंस को खरीदने और बेचने को लेकर बढ़ा विवाद। उदासी लुधियाना में दर्दनाक हादसा, चुग्गी के पास कूड़े के ढेर में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में टक्कर के बाद शराब से भरी गाड़ी पलटी, बीच सड़क पर मची लूट। शाहजहांपुर में महिला की बिरयानी से हत्या, संपत्ति विवाद के चलते पति पर कत्ल का आरोप। झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन सफर के दौरान हुई चोरी पर महिला ने दिखाई दिलेरी, पीछा करके बदमाशों को पकड़ा। कुमार विश्वास पर पंजाब की आपकी सरकार का एक्शन, पंजाब पुलिस ने गाजियाबाद के घर पर दी दस्तक। पंजाब की भगवत मान सरकार पर भड़के कुमार विश्वास, का पंजाब के लोगों को दी हुई ताकत से दिल्ली के एक आदमी को खेलने का मौका दे रहे हैं सीएम। कुमार विश्वास के बाद कांग्रेस नेता अलका लामा के घर पहुंची पंजाब पुलिस, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। दिल्ली में 1,000 के पार पहुंचे कोरोना मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,009 नए मामले, 1 की मौत। दिल्ली में फिर पीठ पकड़ रहा है कोरोना, 5.7% पहुंची पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली में स्कूलों को बंद करने को लेकर फिलहाल नहीं लिया गया कोई फैसला, विज्ञापन के जरिए जागरूकता फैलाने की करेंगे पहल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक, बैठक में हालात को लेकर की समीक्षा। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,067 मरीज, 40 की मौत। खटीमा से मेलाघाट की तरफ जारी सड़क पर शारदा बांध के करीब 1 दर्जन गांव में यूपी सरकार ने जारी किया नोटिस, आशियाने और फसल को हटाने का अल्टीमेटम। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, मुंबई में लॉन्च हुई आईएनएस वॉकशीर पनडुब्बी, दुश्मनों के वॉरशिप को डुबोने की है तैयारी। ब्रह्मोस ने दिखाई ताकत, मिसाइल ने एक ही टारगेट पर 2 बार किया सीधा वार, दोनों परीक्षण रहे सफल। दिल्ली के प्रमुख सचिव नियुक्त किए गए सीनियर आईएएस अफसर नरेश कुमार, विजय देव की लेंगे जगह। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से नाराजगी की बातों को किया खारिज, बोले हर परिवार में होते हैं मतभेद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से की मुलाकात, 4 धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर भारत में आसमान से बरस रही आग, गर्मी और तपिश से परेशान हुए लोग, प्रयागराज में 43 डिग्री पहुंचा तापमान। बिहार को आज राहत मिलने के आसार, मौसम विभाग ने जताई 3 दिन तक बारिश की संभावना। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही
रुद्रप्रयाग में भयंकर जाम, हाईवे चौड़ीकरण के बावजूद नहीं सुधरे हालात। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारी में जुटा मंदिर समिति, नक्काशियों के तराशने और रंगरोगन का काम जारी। 7 फीट मोटी बर्फ की चादर में लिपटा है सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, अब भी जमा है पवित्र सरोवर।